खबर राजसमंद के भीम क्षेत्र से है, जहां पूर्व विधायक हरि सिंह रावत के नेतृत्व में सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और बताया कि कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों में कैद रहे, जिसके चलते लोगों को किसी तरह की आय नहीं हुई। ऐसे में अब राज्य सरकार को लोगों के नल और बिजली के बिल माफ करने चाहिए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष नरेंद्र बागड़ी, जिला उपाध्यक्ष लालचंद, मनोज राजेंद्र सिंह सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जब गहलोत सरकार ने जब घोषणा की थी कि हम गरीबों के पूरे हफ्ते से रहेंगे, गरीबों का कर्जा माफ़ करेंगे, गरीबों का बिजली बिल नहीं आएगा और हम पूरी इनको सुविधा देंगे, लेकिन आज हमें 1.5 साल हो गया और 1.5 साल में हमें धीरे धीरे इस हालात ऐसे हो गए कि आज मजबूरन हम लोगों ये आना पड़ा। इनकी घोषणा पत्र में था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ नहीं किया। इन्होंने बोला गरीबों को रोज़गार देंगे, वो नहीं दिया। इन्होंने बोला कि बिजली बिल माफ़ करेंगे, वो नहीं किया।